ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिरला फैमिली से रिलेटेड जितने भी लोग हैं और जो भी लोग टॉप मैनेजमेंट टीम में शामिल है उन्हें इसी वक्त हॉस्पिटल से बाहर कीजिए। जब तक ये इंक्वायरी चलेगी ये पूरा हॉस्पिटल मेरी इन्वेस्टिगेटिंग टीम के अंडर में रहेगा। तुम एक काम करो, एक सीनियर सर यहाँ किसी पेशेंट के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा सर। आई प्रॉमिस वी फॉलो द हाईएस्ट स्टैंडर्ड सर। सर आई नो इट्स अ मिस्टेक, गलती हो गई है और पहली बार हुई, इसके बाद कभी नहीं होगी सर। आप इंक्वायरी कर लीजिए सर, लेकिन सील मत करिए सर, ऐसा मत। प्लीज डो नॉट इंटरप्ट माई इन्वेस्टिगेशन, ओके? सर प्लीज मेरी बात को समझने की सर मेरी प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए सर। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? स्टॉप। सबसे पहले आप इस हॉस्पिटल से बाहर जाइए। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आई एम अ सर्जन हियर, अंदर पेशेंट्स हैं मेरे, एक बच्चा है, उसकी रिपोर्ट चेक करनी है, उसके बाद डिसाइड करना है उसकी हार्ट की सर्जरी कब होगी। बगल की रूम में मेरी माँ है, कोमा में है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है मेरे लिए, ये मंदिर है मेरा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर बिरला, शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। आई सेड आउट। नहीं ये गलत है, मुझे अभी और पूरी फैमिली के पास जाना चाहिए। इस वक्त बिरला हॉस्पिटल को बचाने से ज्यादा जरूरी है और कुछ भी नहीं है। अभी की जान बचती है इस हॉस्पिटल में, पूरी बिरला फैमिली की नींद है, उसमें उनकी जिंदगी खड़ी है। अगर वो नहीं खड़ी गई तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी लाइफ। मुझे उनके पास जाना ही होगा, मैं आ रही हूँ अभी। कोई इन्हें बाहर लेके जाओ प्लीज। Take him out. I'm sorry sir, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आपको मेरी बात सुननी होगी, आपको मेरी बात समझनी होगी, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से कहीं। लेकर जाओ इन्हें बाहर, इंटरप्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन रोक रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आपको इंक्वायरी करनी है, आप लोग इंक्वायरी कर लीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए। देखिए मेरे नाम में भी डॉक्टर पहले आता है बिरला बाद में। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी माँ अंदर है, मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं यहीं रहूंगा। I have tolerated you enough, Dr. Birla. मेरी बात मत सुनिए। मैं नहीं जाऊंगा सर, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? प्लीज सर ऐसा मत करिए। आई कैन एक्सप्लेन। अरे नहीं सर, आई कैन एक्सप्लेन। सर सुनिए मेरी बात, प्लीज ऐसा मत करिए, मेरा हॉस्पिटल है, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए। प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए मत करिए ऐसा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी जगह यहाँ बाहर नहीं अंदर है। ये गलत है, गलत कर रहे हैं आप लोग। डॉक्टर को हॉस्पिटल में नहीं आने देना, बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक भक्त को मंदिर में नहीं आने देना। गलत है ये, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरी माँ के साथ, मेरे पेशेंट के साथ गलत कर रहे हैं आप लोग। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी जगह अंदर है, यहाँ बाहर नहीं। देखिए आप उनसे बस कहिए कि बिरला हॉस्पिटल से हर्षवर्धन बिरला उनसे बात करना चाहते हैं अभी अभी इसी वक्त। हाँ लॉयर सर, पार्थ हियर सर, कुछ ऑफिशियल्स ने बिरला हॉस्पिटल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, हम बाहर खड़े हैं, आप प्लीज जल्दी से आइए। लीव? तुम लोग यहाँ बाहर, रोहन अंदर माँ के साथ कौन है? सर अंदर गवर्नमेंट डॉक्टर्स है, डोंट वरी सर, मुझे मैम अकेली नहीं है। सर हमारी नौकरी चली जाएगी क्या? सर हमारा घर परिवार सब इस हॉस्पिटल से चलता है, अब हमारा क्या होगा? इस हॉस्पिटल में काम करते हैं तो घर का चूल्हा चलता है, बच्चों की पढ़ाई चलती है, सब ठप पड़ जाएगा। सर डैड ने एजुकेशन लोन लिया था मेरी पढ़ाई के लिए, सर अगर ये जॉब नहीं रहा तो वो अकेले लोन चुका नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी सर, मैं ये टाइम भी जॉब की बात कर रहा हूँ, पर सोचना तो पड़ेगा ना। फिक्र मत कर, तेरे लोन की जिम्मेदारी मेरी। ये सब उन गोइंग कार्स की वजह से हो रहा है। मनीष और कैरव को जेल भिजवाया, अक्षरा को घर से जाने के लिए कहा, तो उस सब का बदला ही ले रहे हैं वो लोग। जब नील ने ये वीडियो डिलीट करवा दिया था तो फिर ये वीडियो वायरल कैसे हो सकता है? अक्षरा ना बड़ा महान बनने की कोशिश करती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है, नील को फोन करके हमें सॉरी कहने के लिए कहती है, लेकिन ये सब उसने और उसकी फैमिली ने ही किया है, उन्होंने ही ये वीडियो वायरल किया है, हमें हमारे ही हॉस्पिटल से बाहर खड़ा कर दिया। ये बदला नहीं है तो और क्या है? गुस्से में मैंने ये वीडियो अखिल अंकल को भेजा था, कहीं उन्होंने सच में बदला लेने के लिए ये वीडियो लीक तो नहीं कर दिया। ये नोटिस पढ़ लीजिए, आज से जब तक हॉस्पिटल पे बैठी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती बिरला हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगा।
ये रिश्ता क्या कहलाता।